हेलो एंड वेलकम। आज मैं जावा में किसी एरे को असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में किस तरह से अरेंज करते हैं वो दिखाने वाली। तो इसके लिए हम एक प्रोग्राम यहाँ पर बनाते हैं। पहले एक एरे ले लेते हैं, यहाँ पर सेकंड ब्रैकेट और फिर arr इक्वल टू, यहाँ पर हम कुछ नंबर ले लेते हैं 34, 67, 64, 23, 12, 76। तो इस तरह से तो हम यहाँ पर सिलेक्शन सॉर्ट यूज करने वाले हैं। तो सिलेक्शन सॉर्ट में क्या होता है कि ये पहले वाला एलिमेंट से हम चुनते हैं कि सबसे छोटा कौन है। जैसे यहाँ पर 12 है तो इसमें और इसमें स्वैपिंग हो जाता है, मान एक्सचेंज हो जाता है वैल्यू जो है ये नंबर और ये नंबर, और उसके बाद फिर इसको हम लोग 12 आ जाता है सबसे पहले, और उसके बाद फिर चुनते हैं कि सबसे छोटा कौन है, फिर उसमें स्वैपिंग होता है। इस तरह से सिलेक्शन और फिर स्वैपिंग ये दोनों कॉम्बिनेशन मिला के हम लोग इसको शॉर्ट करते हैं। तो वो दिखाने वाले यहाँ पर सिस्टम और यहाँ पर कंट्रोल सी कंट्रोल भी वन लेते हैं एसेंडिंग और कंट्रोल भी टू लेते हैं डिसेंडिंग। और कंट्रोल भी अब यहां पर बफर डिलीटर पीआर इक्वल टू न्यू इनपुट न्यू बफर डिलीटर और इसके अंदर न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर सिस्टम डॉट इन ये मेरा। अब यहां पर सिस्टम डॉट प्रिंटलन
इंटर योर चॉइस. एक और दो के बीच अब यहाँ पर यहाँ एक 10 आउट 3 और int 3h is equal to integer dot parse int pr dot Up, sweet, sheet. यहाँ पर केस वन में है एसएनडी. तो यहाँ पर पहले प्रिंट करें Let's in original list. Original in. यहाँ पर backslash n देने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम यहाँ पर एक दे चुके हैं. तो यहाँ पर ऐसे ही और यहाँ नहीं दी करने देते हैं ठीक है. और फिर इसको for loop लेते हैं I. ये है ओरिजिनल एरे के लिए I 0 से शुरू हुआ स्टार्ट हुआ और उसके बाद I less than arr dot length और I plus system out printf print this अब ये horizontally display होगा plus arr i और इसके बाद ये हो गया डिस्प्ले कराना. अब है पिछले प्रोसेसिंग शॉर्टिंग का वो करते फॉर इंट
I to 0 or I less than ARR dot main or I plus. जैसे ऊपर में दिए थे उसी तरह I का और उसके बाद एक और for loop int j, यहाँ पर j लेते हैं I plus 1 क्योंकि आपको पूरा जो ये है array है उसमें हर एक element का चेक करना है कि सबसे छोटा कौन है, इसलिए I plus 1 लेते हैं और यहाँ पर I then j, j less than arr dot less than यहाँ पर dot length और j plus. अब हमको चेक करना है एसेंडिंग में है तो हम लोग इफ एआरआर आई ग्रेटर देन वाला साइन यूज करें और डिसेंडिंग में लेस देन, तो इतना ही अंतर है दोनों में, बाकी पूरा सेम. और int m equal to arr I arr I equal to arr और ये आ रहा है इक्वल टू टेम. ये जो पोर्शन है ये पूरा स्वैपिंग का कॉन्सेप्शन है और इस तरह से करने के बाद ये मेरा हो गया प्रोसेस. अब डिस्प्ले करा रहा हूँ यहाँ पर डिस्प्ले प्रिंटर क्या फायदा है अरे हिंदी ऑर्डर अब यहाँ पर बैक प्लस एन और यहाँ पर भी बैक प्लस एन देते और फिर इस तरफ से ये डिस्प्ले कराएंगे ये वाला कंट्रोल सी और फिर कंट्रोल भी. तो यहाँ पर ये डिस्प्ले हो गया. अब
break. और फिर ascending हो गया. अब descending के लिए हम इसको control C यही वाला हम रखेंगे. खाली यहाँ पर ascending के जगह पर descending करना. तो ये case 2. control C. तो यहाँ पर हम देखते हैं जहाँ पर प्रोसेस है उस प्रोसेस में हम फिर यहाँ पर एक्सटेंड कर देंगे और यहाँ पर डिसेंडिंग कर देंगे. हो गया. अब डिफॉल्ट के डिफॉल्ट सिस्टम आउट प्रिंटलेस. यहाँ पर देते हैं ट्राई अगेन. ट्राई और फिर ब्रेक. हो गया. अब इसको हम लोग कंपाइल करते हैं. एक और स्विच केस वाला बंद नहीं हुआ है. कंपाइल तो देखते हैं कोई एरर नहीं है. अब इसको रन करते हैं. ये असेंडिंग और डिसेंडिंग है. इंटर योर चॉइस. तो यहाँ पर हम 1 लेते हैं. तो देखते हैं ओरिजिनल एरे और ये एरे इन असेंडिंग ऑर्डर. फिर इसको हम क्लियर कर देते हैं करके हम 2 वाला. तो यहाँ पर 2 लेते हैं और फिर इंटर. तो हम देखते हैं एरे इन डिसेंडिंग ऑर्डर बड़ा से छोटा. फिर ऑप्शन क्लियर करते हैं और यहाँ पर कोई दूसरा कोई कीबोर्ड से कोई भी एक इंटर कर देते हैं. की दबा देते हैं जैसे टी दबा के इंटर करते हैं. यहाँ पर क्योंकि ये नंबर है इसलिए ये एक एरर दे देता है. तो हम यहाँ पर अगर क्लियर करते हैं और यहाँ पर एक नंबर देते हैं कोई दूसरा नंबर 6 दे देते हैं. तो ट्राई ये हो गया मेरा प्रोग्राम. थैंक यू.